हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में, ओके। और इससे पहले मैंने आपको रोटेशनल मोशन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें बेसिक फंडामेंटल बताया था। रोटेशनल मोशन का रिजिड बॉडी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और हमने वहाँ पर पढ़ा था बेसिकली टार्क के बारे में, ठीक है। टार्क हमने वहाँ पर पढ़ा था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज का टोटल हमारा लेक्चर फोकस रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड थ्योरम्स। तो रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं लेके पार्ट में आपको समझा रहा हूँ और आप उस पार्ट को स्ट्रांग करते जाइए मेरे हर वीडियो से, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम पढ़ेंगे स्पेशली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, suppose we have a rigid body, this is a rigid body and the mass of different parts of the rigid body are different. Suppose mass of this particle is m1, mass of this particle is m2, mass of this particle is suppose m3, mass of this particle is m4, m5 and so on. अब ये है इस बॉडी के, ये मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाते समय बताया था। तो पूरे बॉडी का अलग अलग पार्टिकल का मास अलग अलग होता है। और यदि इस बॉडी को हम क्या करें, रोटेट कराएं, सपोज इस बॉडी को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, इसको रोटेशनल मोशन कराते हैं, तो यहाँ पर देखो हर पार्टिकल का इस रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है। सपोज डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज r1, distance of second particle is suppose r2, distance of third particle is r3, this is suppose r4 and r5 and so on. कहने का मतलब जितने भी particles हैं इसमें सब के rotational axis से distance क्या है, different है। तो यहाँ पर इसका जो moment of inertia होगा, moment of inertia of first particle suppose represented by i1, this is the mathematical terms which is the product of mass of the particle, the product of mass of the particle and square of the distance between particle and the rotational axis, that means r1. i1 equal to m1 into r1 square. तो मैंने क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का, किसी रिजिड बॉडी के किसी एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह उसके मास और उस पार्टिकल से उस रोटेशनल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सिमिलरली फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल विल बी m2 r2 स्क्वायर एंड फॉर थर्ड पार्टिकल इज r3 इक्वल टू m3 r3 square and so on. And suppose for nth particle in equal to mn into rn square and so on. ये है अलग अलग पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सपोज हमको पूरे बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हमने i रिप्रेजेंट किया, तो वो होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स, दैट मीन्स i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस एंड सो ऑन in. मतलब टोटल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अलग अलग पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। अब इसका वैल्यू हम पुट अप कर दें, दैट इक्वल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम मैथमेटिक्स में जो सिग्मा नोटेशन होता है, यदि सिग्मा नोटेशन के लैंग्वेज में हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है सम, और यहाँ पर है एम, तो एम को हमने कह दिया एम आई, और यह है आर, इसको हमने कह दिया आर आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर आई लिखा है, उसको हम लिमिट बताएंगे कि आई कहाँ से है, तो आई 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, एन तक। तो सिग्मा में लिमिट लिखते हैं आई इक्वल टू 1 टू एन, दिस इज द लिमिट। इसको हम सिग्मा नोटेशन कहते हैं। तो सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू, फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू एन, एम आई इंटू आर आई होल स्क्वायर। क्लियर। इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई इक्वल सिग्मा एम, मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल बॉडी का जो मास होगा उसको हम कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर दें तो ये एम हो जाएगा, और एवरेज डिस्टेंस को, रेडियस को हम कैपिटल आर ले लें तो एम आर स्क्वायर। इस तरह से हम किसी होल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई इक्वल टू एम आर लिख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर हम, देखो मैं इस चैप्टर को जिस टेक्निक से पढ़ाऊँगा उसी तरीके से आपको पढ़ना है। मैं उसको पार्ट पार्ट में जैसे बुक में दिया रहता है ऐसा मिसलेनियस टाइप का नहीं पढ़ाऊँगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज मैं पढ़ाया तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा आज के क्लास में। फिर अपन जो टॉपिक लेंगे उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द बॉडीज लाइक सर्कुलर डिस्क, रिंग, रॉड एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक थ्योरम तो यही है, इसको सम, थ्योरम ऑफ सम बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और एक लाइन का उसको और यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, फर्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। जनरली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मोमेंट एम आई ही लिखेंगे। एंड फर्स्ट थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फर्स्ट थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है, थ्योरम का स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको इसको, ये सपोज एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर सपोज हमने 2 एक्सिस लिया, x एक्सिस ये है, 1 एक्सिस ये है, और दूसरा एक्सिस हमने ले लिया सपोज ये 2 एक्सिस है। क्लियर। और ये 2 एक्सिस है पैरेलल। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एक्सिस आप देख रहे हो वाइट कलर से, ये है एक्सिस XY, और जो आप येलो कलर से सेकंड एक्सिस देख रहे हो ये सेकंड एक्सिस है, एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास मतलब CM। ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होके जाता है, और ये कोई एक ऑर्डिनरी एक्सिस है XY। क्लियर। और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज हमने इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को ले लिया, ये A, ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि सपोज हम यहाँ पर एक कंसीडर किए एक M मास का पार्टिकल, ये P पॉइंट है, और यहाँ पर हमने एक स्मॉल m मास का पार्टिकल लिया है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस इस CM एक्सिस से डिस्टेंस को सपोज हमने x लिया है। दैट मीन्स इस P पॉइंट का XY एक्सिस से डिस्टेंस A+X हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहता क्या है, देखो इस XY एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट मीन्स I XY, ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह ICM प्लस MA स्क्वायर, एम इज द होल मास ऑफ द बॉडी, MA स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ये है इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम इनवर्ड बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हियर ए इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ओके, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। कभी भी किसी भी थ्योरम को या फिजिक्स का बड़े स्टेटमेंट को रट्टा नहीं मारना चाहिए। रटने वाला स्टूडेंट उसको कभी भी भूल जाएगा। सबसे पहले समझो उसको, जैसे मैंने आपको समझाया, और समझने के बाद उसको आप वर्ड टू वर्ड बोलना बनाना सीखो। जैसे मैं इस रिलेशन को देख के बोल रहा हूँ, मुझे खुद इसका स्टेटमेंट याद नहीं है। जब भी मुझे ये थ्योरम बोलना होता है तो इसको मैं देख के बोलता हूँ। क्लियर? ऐसा आप उसको सीखे तो सब आपको फिजिक्स ऐसी लर्न हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस, दिस इज द गिवन एक्सिस, इज इक्वल टू, सिंबल को तो बोल रहा हूँ मैं, इक्वल का साइन इज इक्वल टू बोल दिया, इज इक्वल टू, बीच में प्लस का साइन है तो दसम आप बोल दिया। आईसीएम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, दिख रहा है वो। और ए क्या है, टोटल बॉडी का मास और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट है, उसको हमको सिस्टमेटिक बोलना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, क्योंकि यही दोनों एक्सिस पैरेलल है और इसीलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो ये फिगर, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, अब हम करेंगे प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया है, पी पॉइंट पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम इस स्मॉल एम मास पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल स्मॉल एम अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ये इक्वल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मास m और उसके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ये हमने निकाला। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, होल बॉडी का निकालना है। क्लियर? देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो है सपोज आई एक्स वाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एक्सिस इज एक्स वाई एक्सिस, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, देखो अभी एक पार्टिकल का निकाले हैं, अब जब पूरा बॉडी का निकालेंगे तो अभी मैंने बताया क्या करेंगे, उसका सिग्मा करेंगे, तो हो जाएगा एम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आई एक्स वाई इक्वल, इसको हम देखो ये सिग्मा, और अंदर मैं क्या कर रहा हूँ उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर रहा हूँ और साथ में मैं मास को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये एम ए स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ए एक्स, ये हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड भी किया और ब्रैकेट के बाहर जो m है उसको सब में मल्टीप्लाई किया, दैट इम्प्लाइज आई एक्स वाई इक्वल, सिग्मा ओपन कर देते हैं तो सभी के लिए सिग्मा लिख लेते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा टू एम ए एक्स, ये लिख लेंगे। बट अब यहाँ पर आप देखो, बट हियर सिग्मा एम ए स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना सिग्मा एम ए स्क्वायर क्या है, सिग्मा एम मतलब मास ऑफ द होल बॉडी, कैपिटल एम हो जाएगा, तो उसको हमने लिख दिया कैपिटल एम, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, ये हो गया। इसके बाद सिग्मा एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स डिस्टेंस है, इसका यहाँ से डिस्टेंस है, और सिग्मा एम एक्स इसका स्क्वायर, तो मास और इस एक्सिस से उसके डिस्टेंस का बीच का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट, सी एम एक्सिस के। तो इसको हम लिख सकते हैं आई सी एम एंड सिग्मा टू एम ए एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्यों जीरो होगा ध्यान से सुनना। जीरो क्यों होगा, देखो यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो, m इंटू एक्स, एम इंटू एक्स क्या होगा, ये m मतलब इसका मास हुआ और इंटू इसके मास का इस एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सेंट्राइड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जहां पर पूरा मास सेंट्राइड होता है। तो ये जो स्मॉल एम आप पार्टिकल देख रहे हो, ये स्मॉल एम पार्टिकल का भी इफेक्ट यहाँ पर है, भले ही वो यहाँ पर है लेकिन उसका मास यहाँ सेंट्राइड है। तो एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इस मास को इस लाइन पर ले लें तो एक्स गायब हो जाएगा। तो एक्स के जीरो होने से ये पूरा जीरो होगा। जनरली मैंने देखा इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस में, स्टूडेंट यहाँ बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं, जो समझने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको रटना मारना हो याद कर लेते हैं, लेकिन जो समझने वाले स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि एक्स जीरो कैसे हुआ। तो मेरी बात एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो स्मॉल मास का पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास पर सेंट्राइड है। दिस इज द लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल एम इज आल्सो टूवर्ड्स सी एम, देन एक्स विल बी जीरो। एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स के जीरो होने से सेंटर ऑफ मास पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, यहाँ पर देयरफॉर आई एक्स वाई इक्वल, अब मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, इसके वैल्यू को, आई सी एम को, उसको पहले, किसको, किसी को बाद में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो यहाँ पर हमने लिख के रखा है, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। और ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट दो रीजन से है। एक तो 11th क्लास में टीचर्स इसको पूछते हैं, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस तरह से एक सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। दूसरा, जब अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी के कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस निकालने में ये काम आते हैं, और न्यूमेरिकल्स में तो नो डाउट काम आएगा ही। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्लियर हो गया आपको, अच्छे से ये थ्योरम अच्छे से तैयार करिए, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको वर्ड टू वर्ड आप बुक से लिखो, वर्ड टू वर्ड जो मैथमेटिकल है उसको वहाँ पर लिखोगे, बाकी आप नोट्स इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, वैसे हमारा पीडीएफ तो आपको, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50+ टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड, ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी, और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आपको अवेलेबल हो रहा है इसमें वीडियो में, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हर वीडियो के। सेकंड थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर तो हम कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस बना दें, तभी आप समझ पाएंगे इसको। पहले थ्री एक्सिस में थ्री डिफरेंट कलर का लेता हूँ, ठीक है, वो आपको अच्छा लगेगा समझने में। ये एक एक्सिस ये ले लिया मैंने, दूसरा एक्सिस चलो ले लेते हैं इस कलर से, ये एक्स एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस ले लेते हैं ग्रीन कलर से। ओके, ये तीसरा एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। अब सपोज किसी बॉडी पर एक्ट है ये तीनों एक्सिस, और यहाँ पर कुछ पोजीशंस और बनाने हैं जिसको मैं पहले से बना दिए रहता हूँ। रुको, बाद में बनाएंगे, समझाते। चलिए पहले ये देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्सिस के नाम को थोड़ा बदलता हूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिगर जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं उसको बदल रहा हूँ। ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, और हम जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, जेड एक्सिस, और इस जेड एक्सिस को मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ये इसके अबाउट हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं थ्री डायमेंशन में। ये बोर्ड के बाहर है, समझ लीजिए। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि हमने यहाँ पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल ले लिया, ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल है सपोज, ये। क्लियर। अब इसका इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, थ्री डायमेंशन फिगर पर है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस हमने ये ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये ले लिया, और जेड एक्सिस इसका डिस्टेंस इस तरह से ये ले लिया। ये पी पार्टिकल है। क्लियर। अब इसका ये डिस्टेंस सपोज एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, और यहाँ से ओ से ये डिस्टेंस सपोज आर है। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट मीन्स आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। उससे इजी है थ्योरम, स्टेटमेंट भी इजी है। देखो क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर अदर एक्सिस। क्लियर। दो परपेंडिकुलर माने तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दे आर पासेस थ्रू सेम पॉइंट, यहाँ सेम पॉइंट से पास होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप टू अदर परपेंडिकुलर एक्सिस इफ दे आर पासेस थ्रू सेम पॉइंट और कॉमन पॉइंट। ये इसका स्टेटमेंट है, और प्रूफ इसका बहुत आसान है। इसका प्रूफ देखो दो लाइन में। वैसे बहुत से राइटर्स लोग अपने बुक में बहुत लेंदी प्रूफ दिया रहते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप इसको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज ओ ए पी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेनियस है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं टोटल एडजस्टमेंट में आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई स्मॉल एम बोथ साइड, प्रूफ करने के फिजिक्स में बहुत तरीके हैं। दोनों साइड मैंने स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर दिया, एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं अपन। दैट इम्प्लाइज टेकिंग सिग्मा बोथ साइड, दोनों साइड का सिग्मा ले लिया, तो हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। देयरफॉर अब नेचुरली आप देखो सिग्मा एम आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एम आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि जेड एक्सिस उसका डिस्टेंस है तो हो जाएगा आई जेड, एम एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है तो आई एक्स हो जाएगा, और वाई स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस है तो आई वाई। इस तरह से बिल्कुल 4 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। और इसको हम लेंदी करें तो अलग अलग निकाल के सबको सम करें, बहुत लेंदी हो जाता है। तो बहुत आसान प्रूफ मैंने आपको बताया, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड 2 थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लेके आऊँगा वो इसमें कुछ छोटे छोटे रिलेशन हैं, मैथमेटिकल रिलेशन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसके बाद इसके कुछ थ्योरम्स हैं, ये हम करेंगे। फिर डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ये बेस है, इसको बैक स्ट्रांग कीजिए। ओके, थैंक यू।